हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको IBPS क्लर्क का जो पेपर होने वाला है, जी हाँ फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। क्योंकि IBPS PO का रिजल्ट आ चुका है, अभी कट ऑफ नहीं आया लेकिन रिजल्ट्स आ चुके हैं और कई लोगों की उम्मीद टूट गई है क्योंकि उनका IBPS PO में नहीं हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट पेपर जो भी है वो क्लियर हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नेक्स्ट पेपर है वो IBPS क्लर्क का होने वाला है और बहुत सारे लोगों की उम्मीद इसी पेपर से जुड़ी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड बातें बताऊंगा ताकि आपका जो इस बार का पेपर है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ और प्लीज़ फ्रेंड्स इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी YouTube से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि उनको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं और उनको मेरे वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स ये मुझे भी पता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं जा रहे, इसलिए हमने क्या डिसाइड किया है कि देखिए पाठशाला नाम के दो चैनल है, ठीक है। एक है CGL एप्टीट्यूड पाठशाला, ठीक, CGL एप्टीट्यूड पाठशाला है, और दूसरा जो है वो है बैंकिंग पाठशाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम आप यहाँ देख भी सकते हैं, बैंकिंग पाठशाला, ठीक। ये दो चैनल है। CGL एप्टीट्यूड पाठशाला फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया है कि इसको सिर्फ SSC के लिए रख दिया है कि जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो CGL एप्टीट्यूड पाठशाला पे अपनी वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने क्या चेंज किया है कि जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की या इंश्योरेंस की, AO की, उनके लिए हमने क्या किया, बैंकिंग पाठशाला अलग चैनल कर दिया है। इस चैनल पे आपको क्या होगा, सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगे। SSC के वीडियोस इस चैनल पे आने बंद हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक चीज़ कीजिए कि अगर आप ये वीडियो CGL एप्टीट्यूड पाठशाला पे देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे पहले आप यही कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए कि आप किस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो। अगर CGL एप्टीट्यूड पाठशाला पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या करो, बैंकिंग पाठशाला चैनल पे चले जाओ। ठीक, अब YouTube पे बैंकिंग पाठशाला लिखो या राहुल शोरी लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक, बैंकिंग पाठशाला पे जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, एक बार चेक कर लो कि उस चैनल पे मेरे वीडियोस हैं कि नहीं। एक बार कंफर्म हो जाए कि उस चैनल पे मेरे वीडियोस हैं तो आप क्या करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल बना हुआ है, उस बेल को ज़रूर क्लिक करो फ्रेंड्स, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बेल क्लिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। ठीक है, दोनों चैनल का सिंबल्स एक ही है इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। एक बार मैंने इस ग्रुप में भी इसको शेयर किया हुआ है, बैंकिंग पाठशाला का लिंक, आप वहाँ से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए। ठीक है, और अगर आप बैंकिंग पाठशाला पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आने वाले कुछ समय में हमारा जो वीडियोज़ है, बैंकिंग रिलेटेड जो वीडियोज़ है, वो CGL एप्टीट्यूड पाठशाला पे आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको आगे जाके कोई भी परेशानी ना हो, आप इसको अभी से ही कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि 1 जनवरी से, ठीक है, जब आपका ये क्लर्क का मेंस ख़त्म हो जाएगा, कि 1 जनवरी से मैं आपको 2018 का जो भी नेक्स्ट बैच है उसको मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथ ही मेरे साथ 2 नए टीचर्स और जुड़ेंगे जो आपको डेली 3 वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसको मैं आगे डिटेल में बाद बताऊंगा कि 1 जनवरी से क्या होने वाला है। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि आपको बैंकिंग पाठशाला चैनल को ही सब्सक्राइब करना है और उस पर ही मेरे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, तो चलिए ये मुझे आपको बताना था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि IBPS क्लर्क का जो इस बार का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं और क्या सिलेबस है, और ये सिलेबस या जो चेंजेस हुए हैं वो पिछले साल से कितना अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। तो आप सब जानते हैं कि जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होता है ये 2 फेसेस में होता है। एक होता है प्री, जो है फेस 1, और दूसरा होता है मेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार भी इस चीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपके 2 ही स्टेजेस होने हैं, एक होना है प्री एग्ज़ाम और दूसरा कौन सा होना है, मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, अभी इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आया तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रिपेयर करनी है, एक प्री के लिए और दूसरा मेंस के लिए। फाइन, तो मेंस को हम आगे देखते हैं कि क्या करना है, अभी हम प्री पे फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्री एग्ज़ाम होता है ना, जो प्रीलिम जिसको हम कहते हैं, ये 100 मार्क्स का होता है। फाइन, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। तो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, यही 3 सेक्शन होते हैं और ये
100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस साल भी इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपको रीजनिंग क्वार्ट और इंग्लिश का ही पेपर देना है और ये 100 मार्क्स का होगा। फाइन, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है 1/4 होती है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 0.25। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश, रीजनिंग वही 35 क्वेश्चंस के हैं, क्वांट के भी 35 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के कितने हैं 30, मेकिंग अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट ईयर जो 2016 में पेपर हुआ है उसमें क्या था मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो देखिए जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसके रीजनिंग सेक्शन में आपको कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले, अल्फाबेट कोडिंग 5 मार्क्स का आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिले, इनइक्वालिटीज 5 मार्क्स। इनइक्वालिटीज कौन सी हुई फ्रेंड्स, वो आते हैं ना क्वेश्चंस ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसको हम कैसे क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज कितने मार्क्स की आई थी 5 मार्क्स की। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कितने मार्क्स की आई थी 5 मार्क्स की। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, जिसमें आपको नंबर्स भी होती हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड उस पर पूछे जाते हैं, ठीक। ये मैंने अभी आपको नहीं कराया है, मैं आने वाले दिनों में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। फिर था सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट कितने मार्क्स का आया 15 मार्क्स। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब आपके पजल्स, ठीक, ये कितने मार्क्स के थे 15 मार्क्स के। और मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब जो टॉपिक्स बच गए ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस वगैरह वगैरह, ये कितने मार्क्स के आए थे 5 मार्क्स के। तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट ईयर आपके 35 में से 15 मार्क्स सिर्फ पजल्स के आए थे, है ना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो आप देख सकते हो कि पजल्स 15 मार्क्स के आए थे और बाकी सारे टॉपिक्स जो भी हैं 5-5 मार्क्स के आए थे। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स छूट भी गए, जैसे आप देख सकते हो सिलोजिज्म नहीं आया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया। क्या इसका मतलब ये मान लें कि इस साल नहीं आएगा? नहीं ना फ्रेंड्स, हम ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर क्या आया था और इस साल क्या हो सकता है। फाइन, तो हमने इतना पता चला कि लास्ट ईयर जो रीजनिंग का था 35 क्वेश्चंस आए थे और इसमें से पजल्स कितने मार्क्स के आए थे 15 मार्क्स के, मतलब जो हाईएस्ट क्वेश्चंस थे वो पजल सेक्शन से आए थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पजल, ठीक, कि पजल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। फाइन, फिर क्वांट देखते हैं, क्वांट भी 35 मार्क्स का आया था। अब उसमें क्या क्या आया था, नंबर सीरीज आपकी 5 मार्क्स की आई थी। फाइन, डीआई आपका 5 मार्क्स का आया था, एक ही क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। फिर देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के फ्रेंड्स आपके 15 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो डीआई में कौन सा, सॉरी क्वांट में कौन सा हाईलाइटिंग टॉपिक बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। उसके साथ मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो 10 मार्क्स की आई थी। तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर आप देख सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट ईयर। फाइन, फिर इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में आपके 30 मार्क्स में 3 चीज़ें आई थी, एरर्स आए थे, क्लोज टेस्ट आया था और आरसी आया था, तीनों 10-10 मार्क्स के थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट ईयर के पेपर को आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या आया था, अब उस हिसाब से हमें इस साल के पेपर में क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए लास्ट ईयर का पेपर जो था वो बहुत ही इजी आया था, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर का पेपर था वो कैसा था, इजी लेवल का था, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मैं इसको इजी लेवल का ही कहूँगा, ठीक। और पेपर इजी आया था तो आप जानते हैं कि जब भी पेपर इजी आता है तो उसका कट ऑफ हाई जाता है ना। तो बताऊँ फ्रेंड्स कितना कट ऑफ था इसका, तो देखिए रीजनिंग सेक्शन का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था 10.25, ये सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। की रीजनिंग का कितना था 10.25 का, क्वांट का कितना था, ये था 10.75, ठीक। और इंग्लिश का कितना था, इंग्लिश का था 7.75। तो देखिए फ्रेंड्स इजी पेपर था लेकिन तब भी कट ऑफ कितना था, अराउंड 11 मान लीजिए, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कट ऑफ की चिंता मत कीजिए, सेक्शनल कट ऑफ 11-12 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। फाइन, तो ये था सेक्शनल कट ऑफ, और ओवरऑल कट ऑफ क्या था वो मैं अभी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि देखिए डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट कट ऑफ जाता है, ये आपको भी पता है। फाइन, लेकिन जो जनरल कट ऑफ था, ठीक है, मैं ओवरऑल जनरली बता देता हूँ कि ओवरऑल जो जनरली कट ऑफ गया था वो अराउंड 68 मार्क्स गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहीं पे सबको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि पेपर जब सब लोग देख के आए थे प्री का, उनको लगा था पेपर इजी है, सबने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन सबको लग रहा था कि कट ऑफ कितना जाएगा 50-55-60 जो नॉर्मली जाता है, लेकिन कट ऑफ कितना गया फ्रेंड्स 68 गया, ठीक है। तो यहीं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि
प्री में जो है आपको क्या फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखिए 68 कट ऑफ गया लास्ट ईयर, ठीक। इस साल का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पेपर पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। बस आप इतना मान के चलिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो इतनी तैयारी करनी है कि आप इजिली 70-80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। इजी पेपर आएगा तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, डिफिकल्ट आएगा तो आप नेचुरली कम ही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज़ याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कि कई लोग कहते हैं कि लास्ट ईयर ये चीज़ें आई थी तो इस साल भी आप यही प्रैक्टिस कर लीजिए, कि क्योंकि वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना कि इस साल भी वही ज़्यादा आएगा, है ना। कोई लोग कहेगा कि लास्ट ईयर ये चीज़ आई है तो इस साल नहीं आएगी, दूसरी चीज़ आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मिथ हैं, इनको मत फॉलो कीजिए। आप कुछ नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है। आपको यही करना है कि अभी टाइम है, अभी ऑलमोस्ट एक महीना है क्लर्क के लिए, ठीक है। तो आपको हर चीज़ करनी है। सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक करना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। कोई अगर आपसे ये भी कह दे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इतना कर लो, फ्रेंड्स ये बात आप मान नहीं सकते। आप ये नहीं मान सकते कि पिछले साल सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स का आया तो इस साल भी 15 मार्क्स का ही आएगा। कहो इस साल 10 मार्क्स का आ जाए और DI के दो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है और आप देख सकते हो कि पेपर जो है उसका ट्रेंड हर साल चेंज होता जा रहा है ना। कहो अगले साल आपके इसके में आपको क्या देखने को मिल जाए, डिस्क्रिप्टिव देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप ये प्री अज्यूम नहीं कर सकते कि पेपर में क्या आएगा। आपको हर टॉपिक प्रिपेयर करना है, वो मैं आगे थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे आपको डेली बेसिस पे एक रूटीन बनानी है ताकि आपके हर टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फाइन। आपको बस प्री एग्ज़ाम के लिए दो ही चीज़ों का एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस करना है, एक है स्पीड, ठीक। स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करेगी आपके प्री एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपकी स्पीड ही टेस्ट करता और कुछ टेस्ट नहीं करता। तो प्री एग्ज़ाम के लिए आपकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर पाते हो, फाइन। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का आपको पेपर का पैटर्न समझ में आया कि लास्ट ईयर क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और क्या हाईलाइटिंग टॉपिक्स थे, फाइन। चलिए इसके बाद हम मेंस एग्ज़ाम देख लेते हैं कि पिछले साल में क्या डिफरेंस था और इस साल में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेंस एग्ज़ाम है, फाइन, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का पैटर्न चेंज हुआ है। सबको पता है कि लास्ट ईयर अभी तक 5 सेक्शन देखने को मिलते थे, लेकिन इस साल क्या किया है, रीजनिंग और कंप्यूटर का एक सेक्शन कर दिया है ना। रीजनिंग एबिलिटी प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसका आपको एक ही सेक्शन कन्वर्ट कर दिया गया है ना फ्रेंड्स। PO में भी यही था कि रीजनिंग और कंप्यूटर का एक ही सेक्शन है, फाइन। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि SBI ने इस साल अपना पैटर्न चेंज किया था, तो इसलिए उसको देखकर IBPS ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया। और आई होप कि आने वाले जो भी एग्जाम्स हो गए आगे वो भी शायद इसी नए पैटर्न पे बेस्ड होंगे, फाइन। तो देखिए पिछले पैटर्न और इस पैटर्न में आपको क्या चेंज मिला कि पिछले साल आपके 5 सेक्शंस थे और इस साल कितने सेक्शंस हैं, 4 ही सेक्शंस हैं क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर कंबाइन कर दिया गया, फाइन। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लास्ट ईयर का मेंस का पेपर था उसको देखकर लोगों को सरप्राइज मिला। मैं सरप्राइज भी नहीं कहूंगा, एक्चुअली लोग शॉक हो गए। क्यों शॉक हो गए, क्योंकि सबका कहना था, मोस्टली सब लोगों का यही कहना था कि जो मेंस का एग्ज़ाम था वो PO लेवल का था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन लास्ट ईयर का जो मेंस का पेपर था वो PO लेवल का था। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप ये मान नहीं सकते कि आपको उस एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कि इतना आप डिफ़िकल्ट क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये क्लर्क में नहीं आता है ना, कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो कि क्लर्क में जो नहीं आते। फ्रेंड्स, आज के जो पैटर्न चल रहा है एग्जामिनेशन का, आप कुछ नहीं कह सकते क्या क्या आ सकता है। आपको सिलेबस पता है, क्या क्वेश्चन सिलेबस के बाहर पूछता है एग्जामिनर? नहीं ना, सिर्फ डिफ़िकल्ट करता है। तो क्या आप एग्जामिनर से लड़ लोगे कि आपने मुझे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया है ना, लास्ट ईयर तो ये नहीं आया था इस साल आ गया, या लास्ट ईयर तक क्लर्क क्यों ईजी क्वेश्चन आते थे इस साल डिफ़िकल्ट क्यों आ गए? आप नहीं लड़ सकते है ना, क्योंकि आप भी जानते हो कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वैकेंसीज है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेंस एग्ज़ाम आप ये सोच के चलिए कि आपको हार्डेस्ट लेवल का मिलेगा। आप कभी मत सोच के चलिए कि आपको ईजी लेवल का मेंस मिलने वाला है। तो चलिए मेंस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पहला सेक्शन रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को क्या किया गया है, इस बार एक ही सेक्शन कन्वर्ट कर दिया गया है। जो लास्ट ईयर तक रीजनिंग और कंप्यूटर का सेक्शन अलग अलग था, इस साल क्या किया गया है, उसको एक ही सेक्शन में बदल दिया गया है। तो इस सेक्शन में ये आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये इसके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके मार्क्स कितने होंगे, 60। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर क्वेश्चन एक मार्क का नहीं है,
कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 1.5 और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है, आपका 1/4 रहता है। तो जो भी उस क्वेश्चन की वेटेज होगी उसका 1/4 आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। एक नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25, दो नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, बस आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन की वेटेज है उसके हिसाब से 1/4 कर लीजिए, उतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा कन्फ्यूजन क्या रहता है, अब कई लोग सोचते हैं कि रीजनिंग का कट ऑफ अलग रहेगा, कंप्यूटर का अलग रहेगा। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि रीजनिंग को कंप्यूटर एक ही सेक्शन कर दिया गया है तो इसका एक ही कट ऑफ आएगा, ठीक है, इस पूरे सेक्शन का एक ही कट ऑफ आएगा, फाइन। तो ये दूसरा कन्फ्यूजन होता है लोगों में। अब तीसरा कन्फ्यूजन क्या होता है कि कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। कई लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर कितने क्वेश्चन आएंगे या कंप्यूटर कैसे तैयार करें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पैटर्न SBI से लिया हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कही कि जो ये पैटर्न आया है IBPS का, ये SBI ने इस बार चेंज किया था अपना, तो उसी से IBPS ने कॉपी किया है, फाइन। अब मैं आपको बताता हूं कि SBI में जो रीजनिंग और कंप्यूटर का सेक्शन था उसमें कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जी हाँ फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब इसका मतलब ये है कि हम ये भी मान के चले कि IBPS में भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ऐसा हम नहीं मान सकते। आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या क्या कहते हैं ना, स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हमारा ये कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। देखिए, अगर आप डेली बेसिस पे कंप्यूटर कर रहे हो, वो भी अभी से, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप 1 घंटा अगर डेली भी दोगे तो महीना है अभी आपके पास अराउंड, ठीक है, तो आप अराउंड 30 to 32 hours कंप्यूटर पे दे दोगे, और अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो आपका ये पूरा टाइम हो गया वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखानी होगी। देखिए, एक तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, ठीक है। अब एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस था अभी तक कि कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आएंगे, ठीक है, वही आएंगे, वही आते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड में क्या होता है, इसमें एग्जामिनर ने क्या किया कि जो कंप्यूटर रिलेटेड थोड़ी कन्वर्जन्स होती हैं, थोड़े मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन या हेक्साडेसिमल कन्वर्जन या ऑक्टल कन्वर्जन, ये सब भी उसने इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अब देखिए, इसके अगर क्वेश्चंस आ गए तो मैं को लगता है मैक्सिमम 10 questions ही आएंगे, उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर में नहीं आएंगे। और ये 10 questions में से 5 से 6 आप बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक आते हैं, ठीक है। 2-3 questions ऐसे भी आ सकते हैं जो आपने बिल्कुल ना पढ़े हो, फाइन। अब ये मैं ये भी नहीं कहता कि आप इसको छोड़ दो, क्योंकि कई लोगों क्या होगा, वो 2-3 questions बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे एक वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं आपको सारे ये कन्वर्जन्स जो होते हैं डेसिमल टू ऑक्टल वगैरह वगैरह, ये मैं करा दूंगा, फाइन। बाकी बेसिक कंप्यूटर अभी पढ़ने का टाइम नहीं आया है, वो जब आएगा मैं तब आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। वो हम प्री के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्री और मेंस में जो टाइम मिलेगा, कुछ टॉपिक हमें वहां करने हैं, अभी नहीं करने, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेक्शन क्वांट का है। क्वांट में आपको 50 questions ही देखने को मिलेंगे, उनकी वेटेज कितनी है, 50 marks की ही है, तो ये वही रहा। इंग्लिश, इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये 50 नहीं है, 40 है, इसको 40 कर लीजिए, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ये 40 है, 40 क्वेश्चंस आएंगे और ये 40 मार्क्स के ही हैं, ठीक, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 40 है, तो 40 क्वेश्चंस वेइंग 40 मार्क्स। और फिर लास्ट सेक्शन है GA, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को इस सेक्शन को रिलेटेड, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। इसके 50 questions आएंगे और मार्क्स इतने हैं 50, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल आपको 190 questions देखने को मिलेंगे, जिनकी वेटेज कितनी होगी, 200 मार्क्स की होगी, फाइन। तो ये आपका मेंस का 2017 का पैटर्न रहने वाला है, ओके। तो आपको यही 4 sections देखने को मिलेंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए, तो लास्ट ईयर 5 sections थे, इस साल कितने, 4 ही sections हैं। लास्ट ईयर पेपर बहुत डिफिकल्ट था PO लेवल का, तो इस साल हम यही मान के चलेंगे कि पेपर PO लेवल का ही आएगा। आप ये नहीं मान सकते कि पेपर क्लरिकल लेवल का है, ठीक है, आप ये माइंडसेट चेंज कर लीजिए अपना कि पेपर जो है इजी लेवल का होगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना, क्लर्क का पेपर है तो मतलब इजी ही होगा, असिस्टेंट है तो और इजी होगा, RRB है तो वैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक ही माइंडसेट बना के रखना है कि PO का पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी पेपर हो, माइंडसेट आपका यही होना चाहिए कि पेपर किसका है, PO का, और उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर पेपर ये था डिफिकल्ट था, फाइन, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ओके। रीजनिंग में आपको मैं खासकर बता देता हूँ कि 40 में से पजल्स, पता है कितने मार्क्स के आए थे, 25 मार्क्स के सिर्फ पजल्स आए थे रीजनिंग सेक्शन में, तो 40 में से 25 मार्क्स का सिर्फ पजल आया था, फाइन। तो देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है, कई लोग क्योंकि कोचिंग में आपको यही कहते हैं कि पजल्स मत करो, दूसरे टॉपिक्स करो, और हमारा वही माइंडसेट बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप प्लीज़ किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। आप खुद ही देख सकते हो कि पजल्स कितने हाई वेटेज के आ रहे हैं, और अगर आप पजल्स नहीं करके आएंगे तो आप भूल जाइए कि आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है ना। आप खुद ही देख सकते हो ना, जब 40 में से 25 पजल्स ही है तो रिमेनिंग 15 मार्क्स, अगर आप 15 में 15 भी कर लोगे और आपकी एक्यूरेसी का 90-95% भी है तो भी आपके 12 मार्क्स ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए आप ये माइंड सेट चेंज कर लीजिए कि पजल्स नहीं करने, आपको करने ही पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक, वही मैं बता देता हूँ कि क्वांट में जो डी आई आया था ये 10 मार्क्स का आया था, आपको डो डी आई आए थे, ओके। और जो मिसलेनियस है, मतलब जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो कितने मार्क्स की आई थी? 15 मार्क्स की। मतलब अगर आप डी आई और मिसलेनियस कंपेरिजन करें तो 25 मार्क्स आउट ऑफ 40, 25 मार्क्स सिर्फ इन दोनों टॉपिक से ही आए थे, है ना। तो जो लोग कहते हैं कि मिसलेनियस छोड़ देंगे या डी आई छोड़ देंगे, तो आप देख लीजिए कितना भारी नुकसान आपको हो सकता है, फाइन। और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी आउट ऑफ 100, वो क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग थी, तो मैं आपको जनरली कट ऑफ बता देता हूँ कि जो जनरल कट ऑफ थी वो आप मान सकते हो कि 58 मार्क्स थी। तो आउट ऑफ 100 58 मार्क्स का कट ऑफ गया था। तो आप देख सकते हैं कि डिफिकल्ट पेपर आने के बावजूद भी कट ऑफ नियरली 60% गई, ठीक है। तो इसलिए आपको कितनी मेहनत करनी है आप सोच सकते हो, फाइन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंस का पैटर्न क्या है और लास्ट ईयर कैसा पैटर्न आया था, क्या डिफिकल्टी लेवल था और क्या कट ऑफ था। तो उसी के हिसाब से आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, फाइन। तो देखिए, रीजनिंग और क्वांट का सिलेबस तो वही रहता है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन किस में होता है? इंग्लिश में और जीए में, है ना, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि इसमें क्या आ जाए। इंग्लिश का एक जनरल पैटर्न रहता है, एक जनरल सिलेबस रहता है, जो मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है कि इसके अंदर से ही आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये नहीं कह सकते। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है आपका इंग्लिश में, सेंटेंस फिलर्स रहते हैं, पैरा जंबल्स रहते हैं, एरर्स रहते हैं, सेंटेंस करेक्शन मतलब फेस करेक्शन भी रहता है। जैसे कि पीओ में देखा गया कि एक शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आए थे, दूसरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आए थे, है ना, कोई टॉपिक आया कोई आया ही नहीं, एरर्स आए ही नहीं थे। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आप इस स्टेज पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको हर चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेंस एग्जाम में जो आपकी एग्जामिनर क्या टेस्ट करता है, वो आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करता है, ठीक है। स्पीड आपकी टेस्ट होती है प्री एग्जाम में और एक्यूरेसी टेस्ट होती है मेंस में। इसलिए मेंस में आपको एक्यूरेसी 100% रखनी है। 100% तो किसी की भी नहीं हो सकती, कोशिश करिए कि 95% एक्यूरेसी आप बना के चलो, कि अगर आप 100 क्वेश्चंस करो तो 95 उसमें से सही हो जाए, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना पड़ेगा, प्री के लिए स्पीड पे वर्क करना है और मेंस के लिए एक्यूरेसी पे वर्क करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप अभी तक आपको पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या आना है और कैसे आना है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं, क्या कट ऑफ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में करना क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको पूरा समझा दिया कि पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है और क्या क्या क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, क्या कट ऑफ था, वगैरह वगैरह, है ना। अब पूरी राम कथा तो मैंने गा दी, लेकिन अब करना क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो व्हाट टू डू, ठीक है। तो पहली बात, आप भूल जाइए कि आप एग्जाम किसका दे रहे हो, क्लर्क का, ठीक, इसको भूल जाइए। आप यही मान के चलिए आप किसका एग्जाम देने जा रहे हो, पीओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि जैसा लास्ट ईयर हुआ, क्योंकि कई लोगों को शॉक लगा था पेपर देख के और उन्होंने का यही कहना था कि पेपर पीओ लेवल का आया है। तो कहीं आपको भी ऐसा शौक ना लगे, आप भी कहीं सदमे में ना चले जाओ, इसलिए आप पहले ही मान के चलो कि पेपर किसका आने वाला है, पीओ लेवल का आने वाला है, आप उसी लेवल की तैयारी करोगे, ठीक है। तो आज से कोई भी पेपर आ जाए, असिस्टेंट आ जाए, आरआरबी आ जाए, क्लर्क आ जाए, आपका एक ही माइंड सेट रहना चाहिए, क्या, कि पेपर आप पीओ का ही देने जा रहे हो, ताकि अगर पैटर्न में कोई चेंज हो या क्वेश्चन के लेवल में कोई चेंज हो, आपको कोई भी शौक ना लगे और आप इजीली पेपर कराओ, फाइन। तो ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या मैं बताता हूँ। देखिए, जो स्ट्रैटेजी होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे अभी टाइम क्या है, नवंबर है ना, तो एग्ज़ाम आपका है दिसंबर फर्स्ट वीक में, अभी ऑलमोस्ट एक महीना है। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि ये भी सब कुछ करना है, ठीक है, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। वहीं अगर 10 दिन होते तो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाती, क्योंकि 10 दिन में क्या करना है, क्योंकि हम 10 दिन में पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, तो क्या क्या करना है वो उस पर डिपेंड करता है, फाइन। तो स्ट्रैटेजी किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर। तो अभी हमारे पास एक महीना है, तो अभी हम सब कुछ ही करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। कोई आपको कह दे कि ये मत करो, ये लास्ट ईयर आया था तो इस साल नहीं आएगा, या लास्ट ईयर आया था तो इस साल आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ हैं, ठीक है। आप इन सब मिथ पे डिपेंड नहीं हो सकते, फाइन। आपको क्या करना है कि सब कुछ ही करना है, ठीक है। अगर कोई कहता है आपसे कि ये मत करो ये नहीं आएगा,
वो आपके ऊपर, वो आपकी मर्जी कि आपको करना है नहीं करना है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सब कुछ ही करो, कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या पता क्या आ जाए पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ आ जाए, सेकेंड शिफ्ट में कुछ आ जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आप देख ही चुके IBPS PO के पेपर में, फाइन। इसलिए अभी के टाइम के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ ही करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, फाइन। तो मैंने आपको बताया कि हमें किसकी तैयारी करनी है, मेंस की, क्योंकि अभी टाइम है तो हम मेंस की तैयारी ही करेंगे, प्री की तैयारी खुद ही हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये दो लेवल हैं, ठीक है, अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हो तो आपका ये लेवल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ इतनी ही तैयारी करते हो और क्वेश्चन इस लेवल का अगर आ गया, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी तो इतनी सी ही है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी हम मेंस की तैयारी करेंगे और प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फाइन। तो देखिए करना क्या है, आपके पास तीन सेक्शन है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, और मेंस में क्या है, GA भी है, क्योंकि GA में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो GA भी हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है और कैसे करना है, फाइन। देखिए डेली बेसिस पे आपको ये चारों टॉपिक करने पड़ेंगे, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वो ये चारों टॉपिक डेली कर सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग है या जो दूसरे का जॉब करते हैं और इतना टाइम नहीं मिल पाता उनको, उनके लिए क्या है कि वो इन चारों को दो दो में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, दो दो के ग्रुप में, तो एक दिन एक ग्रुप पढ़ें और अगले दिन दूसरा, फाइन। तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या, रीजनिंग के लिए आप कम से कम 2 आवर्स दीजिए, ओके, और इस 2 आवर्स में वो करना क्या है, सबसे पहले पजल्स, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो पजल्स आपको लेकिन करने कौन से हैं, 2 वेरिएबल तो नहीं करना, ना 1 वेरिएबल करना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी बहुत कर चुके हैं हम, है ना, आई होप आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। करना क्या है आपको, 3 और 4 वेरिएबल, मतलब हाई वेरिएबल, हाई लेवल के पजल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पजल्स कौन से, हाई वेरिएबल, ठीक है, जिसमें 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, हाई लेवल डिफिकल्ट पजल्स, तो ये आपको कम से कम डेली के 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब क्या है, चाहे इसमें आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, डोंट वरी, आपको करना है और खुद से करना है, ओके, क्योंकि आपकी स्पीड तभी बनेगी। तो पजल्स आपको डेली के 2 सॉल्व करने हैं, वो भी हाई लेवल वाले, फाइन। और इसके अलावा साथ में आपको क्या करना है, एक कोई भी टॉपिक करना है, चाहे आप सिलॉजिज्म कर लीजिए, चाहे कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, चाहे मशीन इनपुट आउटपुट कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसके साथ आपको एक टॉपिक भी करना है, ठीक है। तो एक टॉपिक कोई भी जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको ये 2 चीज़ें डेली बेसिस पर करनी है, और जो आप टॉपिक करें वो भी हाई लेवल का ही होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको वीडियोज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, कौन सी, बेसिक वाली, अगर आप उससे थरो हो चुके हैं तो आपको हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है, उसके वीडियोज़ मैं आपको इस वीक से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब हम हाई लेवल ही करेंगे, बेसिक्स हमने बहुत कर लिए, फाइन, ठीक है। अब आते हैं क्वांट में, देखिए फ्रेंड्स क्वांट में आपको क्या करना है, देखिए तो जो टॉपिक जैसे पिछले साल थे, सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स का आया, ठीक, तो हाई वेटेज का आया, तो देखिए इन टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ सकते, जो ईजी टॉपिक्स है, कौन कौन से, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक, ये टॉपिक आपको डेली बेसिस पे करना है, ये आप छोड़ नहीं सकते, कम से कम डेली बेसिस आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ओके। नंबर सीरीज हो गई, इसके भी आप 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए, ठीक, इसके भी आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। ऐसी इनइक्वालिटी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डेली। तो ये टॉपिक जो ऐसे हैं कि बहुत ईजी आते हैं, ठीक है, और इसके 10 क्वेश्चन डेली सफिशियंट है, तो ये तो करने ही करने हैं। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, DI करना है, ठीक, क्या करना है, DI, और कम से कम आपको 2 DI करने हैं, और ये 2 DI आपके डिफरेंट होने चाहिए, और ये नहीं कि दोनों बार ग्राफ कर लिए या दोनों लाइन ग्राफ कर लीजिए या दोनों पाई चार्ट कर लिए, नहीं, आप अगर 1 DI लाइन चार्ट का कर रहे हो तो दूसरा DI पाई का करो या बार ग्राफ करो, तो जो 2 DI करो वो अलग अलग होने चाहिए। केसलेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसलेट्स भी आते हैं, तो केसलेट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो 2 DI डेली कीजिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए, फाइन। और इसके साथ आप एक कोई और टॉपिक करिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना मिसलेनियस टॉपिक का, कोई भी एक टॉपिक करिए, चाहे प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, चाहे स्पीड डिस्टेंस टाइम कर लीजिए, चाहे कुछ भी पार्टनरशिप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो एक मिसलेनियस टॉपिक भी करिए, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि आप कम से कम पहले वर्क वाला करिए, ठीक है, वर्क कर सकते हैं या आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी इजी है, ओके। अगर कुछ भी नहीं करना तो मेंसुरेशन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मुलेज ही रिवाइज करने हैं, ओके। तो एक मिसलेनियस टॉपिक कोई भी करिए, चाहे मैंने प्रोवाइड की है वीडियो चाहे नहीं, आप खुद से करिए, क्योंकि मैं वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा इन पर, लेकिन फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फाइन। तो एक मिसलेनियस टॉपिक, तो ये आपको 2 घंटे इसमें करने हैं, ओके।
2 घंटे या 3 घंटे भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, ये कम से कम टाइम है कि आपको इतना करना ही है। फिर आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक न्यूज़पेपर सफिशिएंट है, एक न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश का पढ़ते हो तो वो मोर देन इनफ है। और इस न्यूज़पेपर में आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एडिटोरियल सेक्शन, ठीक, एक ये पढ़ना है, फिर बिजनेस न्यूज़ पढ़नी है। ठीक है, कौन सी न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, और साथ में जो इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ आती है वो पढ़नी है। ठीक है, ये 3 सेक्शन ही पढ़ लीजिए। अब इसके फ़ायदे देखिए कितने सारे होंगे। अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, उसमें आपको नए वर्ड्स मिलेंगे तो वो कैप बढ़ेगी। ठीक है, बिजनेस न्यूज़ पढ़ने से क्या होगा, आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर होंगे, आप फाइनेंशियली अवेयर हो जाओगे, तो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन है वो आपका प्रिपेयर होता रहेगा। ऐसे ही इकोनॉमी का है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है वो सीधा का सीधा इन्हीं 3 सेक्शन में से उठा के रख दिया जाता है ना। तो जो आप हिंदू अगर पढ़ रहे हो तो उसके अगर आप ये 3 सेक्शन डेली पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम में आता है वो इन 3 सेक्शन में से किसी एक न्यूज़ को उठा के एज इट इज़ वो एग्ज़ाम में रख देंगे। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, हो जाएगा ना। आपने एक बार पढ़ा आपको पूरा समझ में आ जाएगा और सारे 10 to 10 क्वेश्चन आप कर लोगे, 10 मार्क्स पूरे अचीव हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और साथ ही साथ एक क्या कीजिए, ग्रामर की बुक भी पढ़ते रहिए। तो जो बेसिक ग्रामर बुक होती है क्लास 8th 9th 10th की, वो करते रहिए। एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, वो वीडियो देखिए, उसमें जो टॉपिक कराया आप उस बुक से भी रूल्स देख लीजिए और क्वेश्चंस लगा लीजिए, ताकि आपको 2 बार क्लियर हो जाए। अगर फ्रेंड्स यकीन मानिए, ऐसा अगर आप करेंगे तो आप विद इन 1 मंथ बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इंग्लिश के। ठीक है, तो इसलिए आप ये 2 चीज़ें इंग्लिश में ज़रूर कीजिए। फाइन, अब बचा है जीए। अब देखिए फ्रेंड, जीए में क्या करना है और कब करना है। देखिए जीए का यही राइट टाइम है स्टार्ट करने का, ठीक, अभी सही टाइम है जीए पढ़ने का। ओके, अब जीए में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके करंट अफेयर्स आते हैं, अपॉइंटमेंट्स आती हैं, नेशनल पार्क, स्टैटिक जीके जिसे हम कहते हैं, सब कुछ आता है। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसलिए करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब कहते हैं नेशनल पार्क याद करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करो, एयरपोर्ट याद करो, फेस्टिवल्स याद करो, वगैरह वगैरह, है ना। इतना सब कुछ करेंगे तो आपको कम से कम 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे, तो जाके आपका सिलेबस ख़त्म होगा जीए का, है ना। लेकिन अगर आप 3 घंटे डेली दे रहे हो और 1 महीने में अगर आप 3 घंटे डेली दोगे तो कितने घंटे आपने इन्वेस्ट किए, कितने हो गए, 3 × 30 90 घंटे। और सपोज इस 90 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर स्टैटिक से ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो आपसे छूट गया, तो हो गया ना 90 घंटे की मेहनत बर्बाद। ठीक, तो देखिए करना क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बैंकर्स अड्डा का, ठीक, बैंकर्स अड्डा का एक मंथली रिव्यू आता है, किसका, द हिंदू का। ठीक, ये मंथली रिव्यू आता है उनका पीडीएफ फॉर्मेट में हर मंथ के एंड में। ठीक, वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप ये कन्फ्यूजन हो जाएगा किस मंथ से करना है। देखिए अगर आपका मेंस दिसंबर में है तो जिस दिन भी आपका मेंस है उससे कम से कम 4 महीने पहले का आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। सपोज मैं कहता हूँ कि मेंस जो है आपका दिसंबर में है, ठीक है, सपोज दिसंबर में नहीं जनवरी में, ठीक है, तो आपको कब से करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, 12 में से 4 गए 8, तो आप सेफ साइड आने के लिए सितंबर से कर लो। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने का तो करो ही करो, फाइन। और सपोज आपका अगर 25 जनवरी को मेंस है तो 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार होने चाहिए। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स कि कब से करंट अफेयर करने, एटलीस्ट 4 मंथ्स के, और कहाँ से करने वो मैंने आपको बता दिया। तो जो हिंदू का रिव्यू है ये मंथ एंड, सपोज 31 अगस्त है तो 5-6 तारीख तक आ जाता है, 5-6 सितंबर को, ठीक है, अगस्त का रिव्यू मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। ये बहुत ही कॉन्साइज वे में दिया गया है और आपको 60-70% जो जीए है इससे कवर हो जाएगा। ठीक, साथ ही अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो तो 80% आप मान के चलिए कि आपका जीके तैयार हो गया, हो रहा है मतलब। ठीक, आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बिना किसी डिफिकल्टी के। ओके, अब बचती है दिक्कत स्टैटिक की। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक जो पोर्शन आता है वो हार्डली 10 मार्क्स, वो वेरी करता है, 5 to 10 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो अगर 5 to 10 मार्क्स के लिए आपको अगर 3 घंटे डेली इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई समझदारी है। ठीक है, जीए का कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 आने हैं। अगर 50 में से 5 या 10 मार्क्स के छोड़ भी दिए तो इसमें आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब वही 10 नंबर आप कहीं और दूसरे सेक्शन में कवर कर सकते हो, इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक के लिए इतना आप दिक्कत मत लीजिए, जितना आप कर पाओ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है,
कौन सा करना है, देखिए सपोज आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, उस न्यूज़ में स्टेट आ गई असम, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो न्यूज़ में रहती है स्टेट वगैरह उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अगर सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली का, उसमें कोई स्टेट आ गई, या तो स्टेट के बारे में सब कुछ जान लीजिए, ठीक है। आपको पूरा स्टैटिक प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें इतना वेटेज नहीं आता, फाइन। अभी आप इतना करना शुरू कीजिए, बाकी जीए में टाइम है, प्री हो जाए जीए में आगे क्या करना है मैं तब आपको बताऊंगा। इनिशियली आप इतना करना शुरू कीजिए कि आप पहले हिंदू रिव्यू पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। इनिशियली आप इतना काम करिए, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि डेली बेसिस आपको क्या करना है, अब कैसे करना है वो समझिए, ठीक है। सपोज मैंने कहा रीजनिंग 2 घंटे देने, क्वांट 2 घंटे, इंग्लिश 2 घंटे, और जीएम सपोज मैंने कह दिया 1 घंटा, ठीक, 1 आवर डेली। अब ये करना कैसे, अब कुछ लोग क्या होंगे 9 बजे सुबह उठेंगे, 10 बजे नहा धो के सब कुछ करके 10 बजे बैठेंगे और शाम को 8 बजे उठेंगे, कहेंगे सब पढ़ लिया है ना, एक स्ट्रेच में सब पढ़ लिया हो गया। फ्रेंड्स ये ऐसे मत करिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइंड इतना फोकस नहीं कर सकता ना, एक स्ट्रेच में आप 8-10 घंटे पढ़ लो, नहीं। आपको क्या करना है, इसको ब्रेक में करना है। सपोज आप सुबह 10 बजे बैठे, आपने 2 घंटा रीजनिंग किया, 12 बजे तक रीजनिंग किया, अब 12 बजे आप क्या कीजिए, एक ब्रेक लीजिए, लेना ही चाहिए, ठीक। 2 घंटे मोर देन इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, तो आपने 12 बजे 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर आप 1 बजे बैठे, फिर आपने 2 घंटे पढ़ाई की 3 बजे तक, फिर आपने क्या किया, लंच किया 3 बजे, ठीक, ब्रेक ले लिया मतलब, ठीक। उसमें लंच करो कुछ भी करो आपकी मर्ज़ी, फिर आप 4 बजे बैठे, 4 से 6 में आपने फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फाइन। अब 6 बजे हो गई शाम, तो आप क्या कीजिए, शाम है भाई घूमो फिरो थोड़ा थोड़ा, बाहर जाइए घूमिए फिरिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 घंटा पढ़ चुके हो, तो आप फ्री माइंड से जाके घूम फिर के आइए, एक चक्कर लगा के आइए, ठीक। फिर आप आराम से खाना वाना खा के 8, 8:30, 9 बजे बैठिए और फिर 1-2 घंटा फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ाई की, वो भी फ्री माइंड में बिल्कुल रिलैक्स होके। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जो पहले आप 8 घंटे 1 स्ट्रेच में पढ़ते, माइंड को इतना बर्डन देते, वही 8 घंटे आपने हंसते खेलते पढ़ लिया, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए था जो फ्री हैं, जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग वर्किंग है वो क्या कीजिए, आप ग्रुप बना लीजिए। सपोज आप कहते हैं कि इंग्लिश और रीजनिंग एक दिन करेंगे, अगले दिन क्वांट और जीए कर लीजिए, ठीक है, तो और टाइम उतना ही दीजिए, फाइन। अगर आप 2 घंटे भी डेली देंगे तो 1 घंटा इंग्लिश को दे दीजिए, 1 घंटा क्वांट को, ठीक। तो ये उनके लिए जो वर्किंग है, आप ऐसे कर सकते हो, फाइन। समझ में आया कि कैसे करना है। अब कई लोगों का कन्फ्यूजन क्या रहता है, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है कि ऑफलाइन करना है ना। आधा टाइम तो मेरे पास यही क्वेरी रहती है कि ऑनलाइन क्या करें, टेस्ट सीरीज कौन सी दें कि ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब बताऊँ फ्रेंड्स कि करना क्या। देखिए अगर आप टॉपिक पहली बार लगा रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। क्या कीजिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें अभी आपको टाइमर नहीं लगाना है, अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। आप इसमें अभी क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मतलब जिनको टॉपिक अच्छे से आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, वो क्या करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक, या वो ऑफलाइन टाइमर के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों का एक ही सिग्निफिकेंस है, ठीक। तो ऑनलाइन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी टॉपिक की, तो आप उस टॉपिक में पहले थरो होने चाहिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक, एटलीस्ट बेसिक्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आप स्पीड कभी नहीं अटेन कर सकते। स्पीड तभी आएगी जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, स्पीड के चक्कर में पड़े हो, तो क्या फ़ायदा इसका, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेस बनाइए, जब आप बेस बन जाए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, फिर स्पीड में आओ, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको साइकिल नहीं चलानी आती और कोई आपको सीधा रेस में खड़ा कर दे कि स्पीड से साइकिल चलाना है, भाई जब आपको साइकिल ही नहीं चलानी आती तो आप क्या तेज़ी से चला पाओगे, नहीं ना। वही का इसी का है, आपको जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप सीधा ऑनलाइन प्रैक्टिस पे चले गए, फिर आप मॉरली गिरेगा आपका, आप क्वेश्चन कितने करोगे, 10, 15, 20, 25, 30, है ना, 100 में से, फिर कहोगे कि यार मेरा हो नहीं रहा है, कैसे होगा जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, ठीक। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस तभी करो जब आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जाइए। देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप 4-5 भी दोगे ना, सफिशिएंट होती है, क्योंकि उससे सिर्फ प्रैक्टिस टाइम की चेक करना है ना, कि आपका पेपर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो उस 1 घंटे में, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दो, मैं ये नहीं कहता गलत बात है, आप दो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक। तो आई होप आपकी ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी कि ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, फाइन। तो फिलहाल IBPS क्लर्क के लिए इतना ही था मेरे पास।
आई होप आपको मैंने पूरे सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि जो आपके मन में थे, है ना, कि क्लर्क का पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहता है, क्या तैयारी करनी क्या नहीं तैयारी करनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड करता हूँ। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ जो मैंने आपको बात कही है शुरुआत में कि बैंकिंग पाठशाला का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं किया तो प्लीज़ बाद में मुझसे मत कहिएगा कि वीडियोस नहीं मिल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको सेशन कैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ठीक है, एक बार आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ भी करनी चाहिए और मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। फाइन, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो में कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपने वीडियो देख लिया तो भी कमेंट कीजिएगा कि आपने देख लिया। ठीक है, आरबीआई को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, तो आरबीआई मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ, मेंस की तैयारी करिए, प्री की नहीं। ठीक है, अब क्योंकि अब टाइम किसका है, मेंस का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।